तो फिर अभी तो जमा तो किया था पिछली बारी। चल उस गन का नाम पता है? तो वहाँ हमारा जो है पूरे मोहल्ले वालों का 1200 बिल आया, तो मेरी जो दीदी है इनका बिल 2500 आया, तो इनको टेंशन होगी, इनका 2 दिन से खाना पचानी है। हमारा बिल ना 2500 रुपए दिखा रहा था पिछली बार भरा था। तो फिर अभी तो जमा तो किया था पिछली बारी। कितने का है? 2500 का है ये। ये जमा तो कर रखा है पहले से। ये मार्च तक कर रखा आपने? नहीं नहीं, वो उसमें कर रखा, वो देखो ना जुलाई तक कर रखा है। हमारे पास नहीं आया वो वाला। हाँ, वो वाला पेमेंट हमारे पास नहीं आया जुलाई वाला। तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए वहाँ देखो, वहाँ पता करो, उसे बोलो ये पैसा नहीं आया वाला भी वहाँ। ठीक है, देखा काम तो बना नहीं यहाँ पे भी। अब हम जा रहे हैं रमोला स्वीट शॉप में। डिपार्टमेंटल तो क्या ही है। दूध भी लेना है? घी? चलो हम शॉपिंग करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर बाद। टैंग चलो, हो गया या? तो अभी हम लोग ये शॉपिंग वगैरह जो भी है वो करके घर आ रहे थे। मैं तो सार्थक पुजारी, मैंने सार्थक को कॉल किया, ही टोल्ड कि वो मसूरी जा रहा है भाई। आज का उससे मिलने का प्लान तो उसने कैंसिल किया, हम तो आज प्लान बनाए थे उनसे मिलने का। आप देखेंगे जब हम फ्री होंगे परसों के समय कभी भी। चलते हैं अभी, हम अभी सीधे घर जाएंगे। पहले एक शॉप पे जाना है, जुड़ाना है, पानी का बिल भरा था तो वहाँ बोलना कि बिल जमा नहीं हुआ और अगस्त में जमा करवा था, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो वो कैश वहाँ आया नहीं, वो बिल अभी तक शो नहीं हो रहा है, इसलिए सर मेरे को वहाँ जाना पड़ रहा है। खुला है? बंद है? बंद है, बंद बंद। घर पहुंच चुके हैं। क्या कह रहे थे, जल्दी क्यों आए? बताया था मैंने आपको कि मैं घर पहुंच चुका हूं। और हाँ, मैंने एक चीज़ अभी देखी, फुटेज देख रहा था मैं, तो एंगल बढ़िया नहीं आ रहा था। अब एंगल बढ़िया नहीं आ रहा, व्हाट वी हैव टू डू इज, एंगल क्यों नहीं आ रहा था इसकी वजह से। तो गाइस, मामा जी ये पता नहीं मुझे दिख रहा भी नहीं। हाँ तो वो इसको वो क्या बोलते हैं, वो कील लगा रहे हैं बाइक को में, जिससे वो ऊपर होता है, वो ऊपर वाला पता नहीं वो कुछ होता है, तो हम वो कील लगाते हैं। आइए, जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि जो GoPro का एंगल है वो अच्छा हो, मुझे इतना अच्छा सा विंडस्क्रीन निकालना पड़ रहा है। आई हैव टू रिमूव दिस जस्ट
इसी वजह से मुझे हटाना पड़ रहा है। अब दिस इज द गाड़ी। कल हम तरुष के लिए गन लेके आए थे, क्या लेके आए थे कल? गन। और तरुष ने वो साइड से तोड़ भी दी। मैंने कल का व्लॉग बनाया था बट जिस समथिंग 4:3 में बना वो गलती से मुझे भी नहीं पता, गोप्रो के बारे में भी इतना सीख रहा हूँ मैं भी ढंग से, तो मुझे 4:3 का नहीं पता था। ठीक है कि इसमें फुटेज ये आती है ये तो मुझे पता था, पर इतनी लैगी फुटेज बनेगी कि वो एडिट नहीं हो पाई 1%। इवन वो मैंने सॉफ्टवेयर में डाली तो वो एक फुटेज रेंडर करने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ रहा था। अगर 3 मिनट की फुटेज थी, 3 मिनट की फुटेज रेंडर होने में 1 घंटा लग रहा था, तो भाई 19 से 23 क्लिप थी। मैंने कहा भाई मैं बिक जाऊँगा, मैंने वो वीडियो ही फ्लॉप कर दी। तो ये है तरुष के गन। तरुष कैसी गन है? बहुत अच्छी। तरुष आप फेमस है, फेमस गन। हाँ आपको कैसे लगी गन? बहुत अच्छी। चलो हाँ। तरुष गन का नाम पता है? गन का नाम पता आपको? नहीं, भूल गया। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। शूट मैंने किया था बट हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज वो फाइल्स की वजह से। तो आई हैव टू कम्प्लीट माई चैलेंज 7 days 7 videos। सो हियर तरुष इज विद मी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपको क्या करना है? लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाना। आय हाय हाय, आज तो एक ही बार में तरुष ने बिना कुछ बोले सारा कुछ बोल दिया, नो कट। मिलते हैं ऐसी मजेदार अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टिल देन टाटा। और हाँ सॉरी, हाँ अगर साउंड थोड़ा सा बाइक चलाते हुए अच्छी नहीं आती क्योंकि माइक नहीं हो, माइक बहुत अभी मुझे पैसा जमा करना है माइक लेने के लिए। तकलीफ बात, ख्याल रखो अपना।